हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर ऑल्टरनेट ईयर पर पूछा जाता है। ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम क्या होता है कि ये एक फाइब्रस बैंड होता है। फाइब्रस बैंड मतलब एक ये बैंड होता है इस टाइप का, ठीक है, जो कि एंटीरियर साइड प्रेजेंट होता है हमारे हैंड के, जो कि एक ब्रिज टाइप का बनाता है। ये एक ब्रिज टाइप का बनाएगा हमारी लेटरल, ये तो होगी मीडियल साइड और लेटरल साइड, हमारी लेटरल और मीडियल साइड की बोन से ये अटैच होगा और एक कॉन्केविटी प्रोवाइड करता है जिससे कि एक टनल टाइप बनता है। ठीक है, ये एक बैंड है, ये एक फाइब्रस बैंड है, ठीक है, जो कि हमारी लेटरल और मीडियल बोन से, हैंड की जो लेटरल और मीडियल बोन होती है वो उससे जाके वहाँ तक ही एक्सटेंड करता है, लेटरल से मीडियल या मीडियल से लेटरल हम कह सकते हैं, वहाँ तक ही एक्सटेंड करता है और एक टनल टाइप का बनाता है। ठीक है, इससे एक कॉन्केविटी प्रोवाइड हो जाएगी तो एक टनल टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो उस टनल को हम कहते हैं कार्पल टनल बोलते हैं, क्योंकि कार्पल बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड विच ब्रिजेस द एंटीरियर कॉन्केविटी ऑफ कार्पस एंड कन्वर्ट इट इनटू द टनल। वही है, एक फाइब्रस बैंड होता है जो कि एक ब्रिज टाइप बनाता है, एंटीरियर कॉन्केविटी प्रोवाइड करता है। ये एक ब्रिज बन गया और एक एंटीरियर कॉन्केविटी हो गई, एंटीरियर पार्ट हो गया, पोस्टीरियर पार्ट हो गया, कॉन्केविटी हो गई है और फिर एक टनल टाइप बन गया। तो टनल टाइप बन गया तो फिर इसको हम, और क्योंकि ये कार्पल बोन से बना हुआ है तो इसको हम कहेंगे कार्पल टनल। ये हो गया हमारी मीडियल साइड, और इसमें जो बोन इन्वॉल्व होती है, बोन तो वही हम जो हमारे हैंड की बोन होती है वो वही इन्वॉल्व होंगी, लेकिन जिससे वो अटैच होगा, जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो अटैच है मतलब मीडियली और लेटरली, तो वो कौन सी बोन्स होंगी। मीडियली अगर हम देखें तो पिसीफॉर्म बोन होगी, पिसीफॉर्म बोन और हुक ऑफ हैमेट। ठीक है, ये हो गई पिसीफॉर्म बोन और ये हुक ऑफ हैमेट, ये मीडियली इससे अटैच है, इस बोन से अटैच है। और लेटरली अगर हम देखेंगे तो ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड और क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये हो गई हमारी ट्रेपेजियम बोन और ये ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बोनी लैंडमार्क कि ये कहाँ से, ये जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है वो कौन कौन सी बोन से अटैच होता है, और कौन कौन सी बोन से तो अटैच होता ही है लेकिन वो कौन से सरफेस से अटैच होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे बोनी लैंडमार्क। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एक बैंड टाइप होता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी मीडियल साइड और ये हो गई हमारी लेटरल साइड, और ये हो गया हमारी मीडियल साइड। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसकी डेफिनेशन और इसके जो लैंडमार्क्स होते हैं वो आपको समझ में आए कि कहाँ से कहाँ तक मतलब ये अटैच होता है, कौन कौन सी बोन से। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे रिलेशंस की। सबसे पहले हम स्लिप्स की बात करेंगे। स्लिप्स में क्या होता है कि इसकी दो स्लिप्स होती हैं। ये आपको दिख रहा है, ये स्लिप है। ठीक है, दो स्लिप होती है, एक तो लेटरल डीप स्लिप और एक होती है मीडियल सुपरफिशियल स्लिप। तो हम इसको कैसे मतलब याद रखेंगे, तो हम इसमें याद रखेंगे कि जैसे लिटिल फिंगर होती है, लिटिल फिंगर की तरफ हमारी हाइपोथेनार मसल्स होती हैं, लिटिल फिंगर की तरफ हमारी हाइपोथेनार मसल्स होती हैं, हमारा हाइपोथेनार एमिनेंस होता है। तो हमें ये भी पता है कि अल्नर नर्व, यहाँ से अल्नर बोन होती है, यहाँ पे अल्नर बोन होती है जो कि मीडियल साइड होती है, अब यहाँ से अल्नर नर्व भी जा रही होगी, मतलब हमें इस तरीके से थोड़ा रिलेट कर लेना है। तो हाइपोथेनार और लिटिल फिंगर, हाइपो मतलब छोटा ही होता है, तो हमें इसको ऐसे याद रख लेना है
है कि हाइपोथेनार जो मसल होती है, जैसे थेनार और हाइपोथेनार में हमको कन्फ्यूज़न होता है कि थेनार कौन सी साइड है और हाइपोथेनार कौन सी साइड है। तो हाइपो मतलब छोटी, और छोटी और ये छोटी मसल जो छोटी होती है वो लिटिल फिंगर भी हमारी छोटी फिंगर होती है। तो ये उसी साइड हमारी, हम इसको मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम इसको याद रखने का ये तरीका है बस, ठीक है। तो क्या होता है कि लेटरल डीप स्लिप और मीडियल सुपरफिशियल स्लिप, तो ये हो गई हमारी पिसिफॉर्म बोन, कौन सी साइड थी हमारी, मीडियल साइड, और स्केफॉइड हमारी लेटरल साइड थी, ठीक है। तो हम इसको मार्क करते चलेंगे, ये हो गई हमारी मीडियल साइड और ये हो गई हमारी लेटरल साइड। तो क्या होता है कि लेटरली हमारा फिर थंब होता है, तो उसको हम थिनार मसल कहेंगे, और इधर मीडियली हमारी हाइपोथिनार, मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या मतलब लेटरल डीप स्लिप के बारे में अगर हम बात करें, तो ये है ना डीप की तरफ जाती है ये जो बोन्स हो गई, अब डीप मतलब नीचे की तरफ और सुपरफिशियल मतलब ऊपर का पार्ट, ठीक है, हम इसको ऐसे याद रखेंगे। तो सुपरफिशियल और डीप, सुपरफिशियल में क्या होता है कि ये पिसीफॉर्म से अटैच होती है, अगर हम इसका अटैचमेंट देखें तो ये पिसीफॉर्म बोन से अटैच होती है, और ये पिसीफॉर्म से अटैच हो गई, और यहाँ पे हाइपोथिनार मसल भी होगी, ठीक है, हाइपोथिनार मसल होगी और ये पिसीफॉर्म बोन से अटैच होगी, ठीक है, ये पूरा मतलब पिसीफॉर्म बोन से ही अटैच होती है यहाँ पर, ठीक है। और है ना हम डीप स्लिप की बात करें तो यहाँ पे थिनार मसल हो गई, लेटरल साइड होगी, लेटरल साइड थिनार मसल होगी, और जो कि डीप की तरफ जाएगी वो स्लिप, वो उसको हम बोलेंगे लेटरल डीप स्लिप। ये हो गई हमारी लेटरल डीप स्लिप, ये हो गई हमारी मीडियल सुपरफिशियल स्लिप, सुपरफिशियल मतलब ऊपर और मीडियल मतलब हाइपोथिनार की तरफ मतलब इधर की साइड, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके अटैचमेंट की भी, हम बात देख लेते हैं कि ये ट्रेपेजियम से अटैच होती है, ठीक है, ये ट्रेपेजियम से अटैच होती है। तो फ्लेक्सर रेटिना क्लम में आप ये सोच सकते हैं, अपने आप ही सोच सकते हैं कि है ना मतलब फ्लेक्सर मसल्स आएंगी, फ्लेक्सर मसल्स मतलब फ्लेक्सर मतलब इसमें जो भी मसल फ्लेक्शन में हेल्प करेगी वो वाली मसल्स आएंगी, एक्सटेंसर रेटिना क्लम में एक्सटेंसर जो मसल्स एक्सटेंशन में हेल्प करेंगी वो वाली मसल्स आएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करें कि जो लेटरल डीप स्लिप में, हम आगे जो बात करेंगे रिलेशंस में हम बात करेंगे जो स्ट्रक्चर डीप स्लिप के अंदर आते हैं और जो स्ट्रक्चर सुपरफिशियल स्लिप के अंदर आते हैं, ठीक है। सुपरफिशियली जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और है ना जो डीप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, हम रिलेशंस में वो बात करेंगे। अगर हम रिलेशंस की बात करें तो ये हमारे सारे रिलेशंस हैं, तो हम इसको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम सुपरफिशियल रिलेशन पढ़ेंगे। सुपरफिशियल रिलेशन में क्या होता है कि हम इसमें सारी ऊपर की चीज़ देखेंगे, मतलब सुपरफिशियली देखेंगे। तो सुपरफिशियली कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, सुपरफिशियली में हम बात करें तो मीडियली मतलब वही हाइपोथिनार वाली साइड में, ठीक है, हाइपोथिनार वाली साइड में जो कि मतलब मीडियली हमारी अल्नर बोन भी होती है, हम मतलब कई तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। मीडियल साइड में अल्नर बोन होती है, अल्नर नर्व भी वहीं होती है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, रिलेट कीजिएगा, अल्नर नर्व होती है, अल्नर बोन होगी मीडियल और अल्नर नर्व भी होगी। तो अल्नर नर्व होगी तो हमको वो मीडियल साइड ही होगी। तो मीडियल साइड में अब हम स्ट्रक्चर की बात करें, कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अल्नर नर्व, ये हमारी मीडियल साइड हम बना लेंगे यहाँ पे अल्नर नर्व, ठीक है, अल्नर नर्व हमने ये मीडियल साइड बना ली, ओके। तो क्या होगा कि अल्नर नर्व की क्यूटेनियस ब्रांच आती है, जो इस कार्पल टनल के सुपरफिशियल रिलेशन में अल्नर नर्व की क्यूटेनियस ब्रांच आती है, लेकिन हम इसको ज़्यादा मतलब उसमें कंफ्यूज ना होते हुए हम अल्नर नर्व से याद रखेंगे जो कि मीडियल साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब लेटरल साइड कौन सी प्रेजेंट होती है, मीडियन नर्व, है ना, मीडियन नर्व, तो हमें ऐसे याद हो जाएगा लेटरल साइड हमारी मीडियन नर्व होती है और मीडियल साइड हमारी अल्नर नर्व होती है। और फिर उसके बीच में पामेरिस लॉन्गस का टेंडन आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी तीन स्ट्रक्चर
मतलब हमने इसमें पढ़ लिया, मतलब हमें इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना रट्टा मारने की, हम बस इसको समझेंगे और ये हमको हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अल्नर नर्व जो कि मीडियल साइड पर प्रेजेंट होती है, और ये हो गई हमारी मीडियन नर्व जो कि लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती है, और ये उसकी ब्रांचेस होती हैं। तो हम उसको लिख देंगे पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व और पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, और उसके बीच में एक स्ट्रक्चर आता है जो कि होता है पामरिस लॉन्गस, ठीक है। तो अगर हम और स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो सुपरफिशियल स्लिप होती है जो तो वो उसके बीच में फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और सुपरफिशियल स्लिप के बीच में हमारी अल्नर वेसल्स और अल्नर नर्व आती है, ठीक है। ये हो गई हमारी अल्नर वेसल और अल्नर नर्व। तो मीडियल साइड है तो मीडियल साइड हमारी जाहिर सी बात है कि अल्नर ही आएगी, अल्नर नर्व और अल्नर वेसल्स आएंगी। तो हमने सुपरफिशियल रिलेशंस जहाँ तक कवर कर लिए हैं, तो सुपरफिशियल रिलेशंस में क्या क्या था कि वही हमारी मीडियन ब्रांच थी जो कि लेटरल साइड थी, और हमारे टेंडन था वो तो चलिए पहले अल्नर नर्व पढ़ लेते हैं, और ये हमारी पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व जो कि मीडियल साइड थी, उसके बीच में हमारा क्या था पामरिस लॉन्गस का टेंडन था, ठीक है। और हमारी अल्नर वेसल्स और अल्नर नर्व हमारी जो इसमें आ रही थी, इसके बीच में आ रही थी सुपरफिशियल स्लिप के और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बीच में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारे कवर हो गए, और थिनार और हाइपोथिनार मसल तो ऊपर आ ही रहे हैं, तो ये सुपरफिशियल रिलेशन हो गए, ये सारे ऊपर के ऊपर रिलेशंस हो गए। अब हम बात करेंगे डीप रिलेशंस की। डीप रिलेशंस के लिए हमारे पास एक निमोनिक है, मतलब वो केवल याद करने के लिए है, आपको ईजी रहेगा। अगर आपके पास कोई और निमोनिक है तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक निमोनिक है दैट इज़ रम फ्लेक्सर 4, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे, और फ्लेक्सर 4 मतलब इसमें जो मसल्स होंगे वो फ्लेक्सर सारी की सारी फ्लेक्सर मसल होंगी, और PSLR से हमको याद रखना है कि मतलब जो भी हम आगे मसल्स बोलेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से डीप रिलेशंस होते हैं जो कि हमारे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में प्रेजेंट होते हैं। तो रम की फुल फॉर्म है रेडियल बर्सा, R फॉर रेडियल बर्सा, U फॉर अल्नर बर्सा एंड M फॉर मीडियन नर्व, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास इसमें ना बर्से ही आएंगे, हमने मीडियल नर्व तो हमारी ऊपर आ ही रही है और वो हमारी लेटरल साइड ही आएगी, इसको भी हमको याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारा रेडियल बर्सा आएगा, अल्नर बर्सा आएगा और एक मीडियन नर्व आएगी। हम इसको रम से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारा जो मीडियल रेडियल बर्सा मीडियन बर्सा वो अल्नर बर्सा सॉरी, ठीक है। तो क्या होगा कि अल्नर बर्सा हमारा यहाँ प्रेजेंट होता है जो कि हमारे टेंडन्स को कवर किए होता है, ये साइनोवियल शीथ होती है बर्सा जो कि है ना, जो कि हमारे मतलब जो कि एक फ्रिक्शन में हेल्प करती है, तो ये हमारे टेंडन के पूरे चारों तरफ आ जाती है। अगर आप टेंडन के ऊपर आप हमेशा बर्सा मतलब हम बर्सा देखेंगे जिसकी वजह से वो मतलब जो फ्रिक्शन मतलब वो फ्रिक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अल्नर बर्सा, मीडियल की तरफ है तो हम इसको बिना कुछ सोचे हुए हम इसको अल्नर बर्सा लिख देंगे, ठीक है। ये मीडियल की तरफ हो गया थोड़ा सा, तो हम इसको अल्नर बर्सा लिख देंगे। और हम रेडियल बर्सा की बात करें तो ये एक टेंडन होता है हमारा फ्लेक्सर पॉलिसस लॉन्गस जो कि हम अभी पढ़ेंगे, तो उसको ये कवर किए होता है, ठीक है, उसको कवर किए होता है ये, और ये लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है। और मीडियन नर्व हमारी लेटरल साइड पर प्रेजेंट है जो कि बिल्कुल बिल्कुल नीचे ही प्रेजेंट है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट है, ये हमारी मीडियन नर्व है, ठीक है। तो हमारे रम वाला ये कंप्लीट हो गया। देखिए जो ब्लू पेन से लिखे हुए हैं वो हमारे सुपरफिशियल रिलेशन है, जो हमारे रेड पेन से लिखे हुए हैं वो हमारे डीप रिलेशंस हैं, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। तो बात करें, अब हमने रम की तो बात कर ली, मतलब बर्से की तो बात देख ली, चलिए पहले हम है ना टेंडन कंप्लीट कर लेते हैं, ये तो हमने देख ही लिए, फिर इससे ज़्यादा इजी तरीके से हो जाएंगे, हम इनको थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जो टेंडन्स हैं मतलब ये जो फ्लेक्सर की चार मसल आएंगी इसमें, ठीक है, जो कि है ना PSLR से अपन हम कंप्लीट करेंगे। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस P फॉर प्रोफंडस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस S फॉर सुपरफिशियलिस
और फ्लेक्सर पॉलिस इज लॉन्गस, ठीक है, एल फॉर लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। पॉलिस मतलब अंगूठे की तरफ, थंब की तरफ, तो ये वाली मसल ना थंब की तरफ ही आएगी, मतलब लेटरल की साइड आएगी, ठीक है, लेटरल साइड पर आएगी। और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस जो कि रेडियल की तरफ आएगी, मतलब रेडियल हमारी लेटरल साइड पर होती है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे, तो ये हमने चार मसल देख ली। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो थी हमारी वो यहाँ पे होगी, और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस हमारे यहाँ पे चार टेंडन होंगे। चार टेंडन मतलब हमारी ये वाले टेंडन्स आ रहे हैं उंगलियों के, तो मतलब तो ये चार टेंडन्स होंगे, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये हमारे चार चार टेंडन्स आएंगे जो डीप रिलेशंस में, हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। और इसको कवर किए होता है हमारा अल्नर बर्सा। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया हो। तो ये दो हमारी मसल्स ये हमारी ख़त्म हो गई, और ये जो दो रह गई पॉलिसिस लॉन्गस, पॉलिसिस मतलब थंब की तरफ, तो थंब की तरफ हम थिनार की तरफ देखेंगे, थिनार की तरफ देखेंगे तो हमारी पॉलिसिस लॉन्गस ये वाली जो टेंडन है हमारे जो इसको कवर किए होगा उसको वो रेडियल बर्सा कवर किए होगा, ठीक है। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस ये हमारे यहाँ टेंडन है जो कि डीप स्लिप के जस्ट थोड़ा सा बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और डीप स्लिप और फ्लेक्सर रेटिना कलम के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि हम बोलते हैं फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, ठीक है। तो दो टेंडन तो हमारे, एक टेंडन तो हमारा डीप स्लिप और फ्लेक्सर रेटिना कलम के बीच में प्रेजेंट है, और एक टेंडन हमारा डीप स्लिप के थोड़ा बाहर प्रेजेंट है। तो जो है ना जो उसमें प्रेजेंट है डीप स्लिप के अंदर, तो वो वाला टेंडन होगा हमारा फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। और जो एक टेंडन है हमारा जो कि डीप स्लिप के बाहर प्रेजेंट है, जो उसको हम बोलेंगे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, उसको एक बर्सा कवर किए होगा जो कि होगा हमारा रेडियल बर्सा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारे कवर हो गए, और ये तो इजी ही हो गया होगा आपको समझने में। ये हो गया हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के ये चार टेंडन हो गए जो कि ई शेप में कवर किया हुआ है, उसको हम अल्नर बर्सा बोलेंगे। ये थोड़ा मीडियल साइड पड़ जाता है, तो आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि इसको हम मीडियल साइड मतलब अल्नर के रिलेशन आएंगे इसमें सारे, तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो सारे स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से यहाँ कवर हो गए हैं। ये रेडियल बर्सा हो गया, रेडियल बर्सा वही जो कि है ना, जो कि हमारी इसको रेडियल इसको कवर किए होता है, ठीक है। अल्नर बर्सा हमारी इन दो मसल्स के अराउंड होता है, ठीक है। और मीडियन नर्व जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है फ्लेक्सर रेटिना कलम की, ठीक है। तो आई थिंक मैंने इसमें सब कवर कर दिया है। एक बार हम इसका इसके रिलेशन दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो रिलेशंस में क्या होता है कि फ्लेक्सर रेटिना कलम के मतलब दो रिलेशंस होते हैं, इसमें सुपरफिशियल और डीप रिलेशन। तो सुपरफिशियल रिलेशन में हम पढ़ेंगे कि फ्लेक्सर रेटिना कलम के ऊपर कौन कौन से रिलेशंस होते हैं। तो इसमें तो मतलब ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें थिनार मसल्स होती है, हाइपोथिनार मसल होती है, और ये अटैच होता है हमारा पिसीफॉर्म बोन से, मतलब ये पीछे की तरफ चला जाता है, मतलब ये पूरा अटैच होता है, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पिसीफॉर्म बोन से अटैच होता है और फ्लेक्सर रेटिना कलम से अटैच होता है। तो क्या होता है, ब्रांचेस होती हैं यहाँ पे, पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व। अब ये मीडियल साइड हम एक नर्व बनाएंगे जो कि हम उसको नाम देंगे अल्नर नर्व, और एक हम लेटरल साइड बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे मीडियन नर्व, और उसके बीच में एक टेंडन बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे पामरिस लॉन्गस, ठीक है। और इसके जो सुपरफिशियल स्लिप है, सुपरफिशियल स्लिप में दो स्ट्रक्चर आएंगे, डेट इज़ अल्नर नर्व और अल्नर वेसल्स, जो कि हमारी इसमें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अगर हम डीप रिलेशंस की बात करें, डीप रिलेशंस का हमारे पास एक निमोनिक है, डेट इज़ रम फ्लेक्सर फोर, ठीक है। रम में हमारी आ जाएंगे, ये लर्न करने के लिए है, और आपको मतलब थोड़ा सीक्वेंस वाइज याद रखना है कि हमें फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल इसके अराउंड बर्सा प्रेजेंट होता है जो कि अल्नर बर्सा होता है, और पॉलिसिस लॉन्गस के ऊपर एक बर्सा प्रेजेंट होता है जो कि हमारा रेडियल बर्सा होता है, ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। लेकिन रम से होगा आर फॉर रेडियल बर्सा, यू फॉर अल्नर बर्सा, एम फॉर मीडियन बर्सा, और फ्लेक्सर की चार मसल्स होंगी PSLR, डेट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस,
और फ्लेक्सर पॉलिस इज लॉन्गेस्ट और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, PSLR, ठीक है। तो ऐसे हम याद रखेंगे, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर हम देख ही चुके हैं, पामाक्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, टेंडन ऑफ द पामा इज लॉन्गेस्ट, पामाक्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, द अल्नर वेसल, द अल्नर नर्व, और थिनर और हाइपोथिनर, ठीक है। कि हमारा सुपरफिशियल और प्रोफंडस के टेंडन से हमारे जो कि उसको कवर किए था उसको अल्नर बर्सा, और डीप स्लिप में एक मसल एक टेंडन प्रेजेंट होता है जो कि हम बोलते हैं फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, और उसके जस्ट नीचे उसके जो डीप स्लिप के बाहर ही उसमें एक टेंडन प्रेजेंट होता है फ्लेक्सर पॉलिसस लॉन्गस, जिसको हम बोलते हैं रेडियल बर्सा, और उसको कवर किया होता है रेडियल बर्सा, ठीक है। और आई थिंक मैंने इसमें सब कवर कर दिया है, तो सारे स्ट्रक्चर हमारे इसमें कवर हो गए हैं, ठीक है। तो एक सिंड्रोम होता है कार्पल टनल सिंड्रोम, इसकी हम क्लिनिकल भी बता देते हैं साथ ही साथ। कार्पल टनल सिंड्रोम होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो मीडियन नर्व है, मीडियन नर्व को मतलब थोड़ी या तो पिंच हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो इसमें मीडियन नर्व को डैमेज होता है, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं उसमें, क्या होता है मीडियन नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है जब, है ना, जब वो या तो दब जाए या कुछ हो जाए तो उसकी सप्लाई मतलब वो ठीक से सप्लाई नहीं कर पाती, तो जिससे हमारे हाथ में नंबनेस या पिंचिंग या टिंगलिंग जैसा मतलब पेन होता है, मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं हमको हाथ में पेन होता है। ये मोस्टली मतलब हम इसको एक हम मोस्ट कॉमन केस देखते हैं प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो जो प्रेग्नेंट वूमेन होती हैं उन मतलब सूजन आती है तो वो मीडियन नर्व भी थोड़ी मतलब उसको निकलने के लिए जगह नहीं होती, तो वो भी थोड़ी दब जाती है, तो उसकी वजह से वो ठीक से सप्लाई नहीं कर पाती, तो सूजन की वजह से मतलब उसको जगह नहीं मिलेगी, तो वो भी थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगी, तो वो ठीक से सप्लाई नहीं कर पाएगी। इसकी वजह से जो वुमेंस होती हैं, प्रेग्नेंट वुमन होती हैं, उनको पेन होता है हैंड में, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट तो यही है कि वैसे ये डिलीवरी के 3-4 महीने बाद सही हो जाता है, अगर सही नहीं होता है मतलब एडवाइस वगैरह और थोड़ा मतलब ट्रीटमेंट से, जैसे कि मतलब पोज दिए जाते हैं, जैसे डॉक्टर्स कुछ पोज देते हैं कि आपको ये करना है तो इससे ये सही हो जाएगा, तो अगर तब भी सही नहीं होते तो उनको सर्जरी करनी पड़ती है, तो जो एक टनल जो होता है उसको काट दिया जाता है, जिससे कि वो मीडियन नर्व खुल के जा पाती है, ठीक है, खुल के सप्लाई कर पाती है। तो ये हो गया हमारी कार्पल टनल सिंड्रोम की क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपको ये लेक्चर थोड़े से भी हेल्प करता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।